हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। वी आर डूइंग अ टॉपिक ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी सेमेस्टर 4 टुडे फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। आई होप आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। कैसे चल रहे हैं आपके एग्जाम्स, प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। दिस इज सैमुअल जॉनसन पोएट्री लंडन दैट वी विल बी कवरिंग टुडे इन दिस वीडियो। PU Semester 4 Paper 8. This is what we are covering today, British Literature 18th Century. This is a playlist where you can get to listen to the important lectures of this particular subject. This is the full name. Popularly it is called London. The full name is London, a poem in imitation of the third satire of Juvenal. Juvenal was a very famous Roman 2nd century poet. It was written by, this poetry London was written by Dr. Samuel Johnson in 1738, and soon after he moved to the eponymous city, that is London. जब उन्होंने लंदन मूव किया उसके थोड़े टाइम बाद ही उन्होंने इस पोएट्री को लिखा 1738 में। तो ये पोएट्री कहीं ना कहीं डायस्पोरिक इश्यूज को भी दिखाती है, माइग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज को दिखाती है। पोएट्री को समझने के लिए आपको इस पैसेज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द पोएट्री। द पोम मॉक्स मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड क्रिटिसाइजेस सर रॉबर्ट वॉलपोल्स रूल एज एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1721 टू 1742। ये पोएट्री रॉबर्ट वॉलपोल, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको क्रिटिसाइज करती है, उनके करप्शन को क्रिटिसाइज करती है। वॉलपोल बिलोंग टू द विग्स। विग्स और टोरीज नाम की दो पार्टीज थी, जैसे इंडिया में है बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी। सो मेनी पार्टीज आर देयर। स्पेसिफिकली टू मोस्ट प्रोमिनेंट पार्टीज वर विग्स एंड टोरीज। सो वॉलपोल, जो कि एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, ही बिलोंग टू a political group that challenged the monarchy's dictatorial rule, and in 1712 he was charged with selling his services and being corrupt because the opposition party, the Tories, opposition was Tories and ruling party was Whigs. Opposition, the Tories, perceived him as a threat. जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज है, हमेशा उनके बीच में फ्रिक्शंस चलती रहती हैं। इट इज नॉर्मल सिनेरियो सिंस हिस्ट्री। सेम वाज द सिनेरियो विद विग्स एंड टोरीज। हिज इम्पीचमेंट एंड सबसिक्वेंट 6 month इम्प्रिजनमेंट इन द टावर ऑफ लंदन वर कॉज्ड बाय द चार्जेस। सो ही वाज दैट करप्ट दैट ही वाज चार्ज्ड फॉर इम्पीचमेंट एंड वाज इम्प्रिजनड एज वेल। इट शुड बी एम्फसाइज्ड दैट सैमुअल जॉनसन, हमारे राइटर Samuel Johnson, was a devoted Tory who, due to his ideological convictions, passionately opposed Walpole and his plans. Samuel Johnson को एक वक्त पर ऐसा लगने लगा कि लंदन में इतना करप्शन आ गया है कि लंदन रहने लायक बिल्कुल नहीं है, हर इंसान को यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। The poem opens with the narrator waiting with his friend Thales, अपने एक बहुत खास दोस्त का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम है Thales, who has made the decision to permanently go to Wales and leave London. Story, एक speaker, एक narrator के point of view से बताई गई है, who has a friend named Thales and he, Thales, wants to leave London. They are holding out by the Thames. Thames is a sacred river like London की गंगा, and a significant river that runs through England. As they rebel, he is torn between despair and love. He is not leaving London at present, but his best friend is leaving. So a kind of dilemma is going on in his mind ki mera dost ja raha hai, theek hai, London itna corrupt ho gaya, jana bhi theek hai, lekin mera dost mujhse alag ho jayega. He laments, that is, feels sad about the departure of his close friend Thales from London, as this metropolis is full of wickedness, evil, criminality. London में तो आप ये values और corruption बहुत आराम से पा सकते हैं। It is good to leave London.
जो है वो पिक करते हैं एक सीरीन प्लेस को, शांत प्लेस को, रिमोट कोस्ट्स ऑफ वेल्स, वेयर द एयर इज प्योर एंड अनपोल्यूटेड ऑन ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग मॉरल एंड फिजिकल कंटामिनेशन। किसी भी तरीके का कोई भी कंटामिनेशन उस प्लेस में नहीं है जो थेल्स ने पिक किया है, दैट प्लेस इज वेल्स। द ऑथर लॉर्ड्स हिज फ्रेंड फॉर टेकिंग एक्शन टू इम्प्रूव हिज हेल्थ बट लिमिट्स द लॉस ऑफ हिज प्रेजेंस। हमारे ऑथर, हमारे नरेटर प्रेज करते हैं कि चलो थेल्स ने हिम्मत दिखाई किसी और जगह पर जाने की। रीलोकेट होना आसान नहीं होता, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। रीलोकेट होने के बारे में हम सोचते बहुत हैं कि चलो किसी हिल स्टेशन पर रीलोकेट हो जाते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में रीलोकेट हो जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन देन वी आर इन डिलेमा। क्या छोड़ पाएंगे वो प्लेस जहाँ पर इतने सालों से रहते हैं। हमारे जो नरेटर हैं वो अपने फ्रेंड की हिम्मत की तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उसकी एब्सेंस को सोचकर उदास भी हैं। थेल्स इज थॉट टू बी मॉडल्ड आफ्टर जॉनसन्स रियल फ्रेंड रिचर्ड सेवेज। ऐसा लगता है बहुत लोगों का ये मानना है कि सैमुअल जॉनसन ने थेल्स नाम का जो फिगर बनाया दैट इज बेस्ड अपॉन वन ऑफ हिज रियल फ्रेंड रिचर्ड सेवेज। द पोएट देन गोज ऑन टू क्रिटिसाइज लंदन बाय कॉन्ट्रास्टिंग इट विद इट्स नेबर्स आयरलैंड, स्कॉटलैंड, विच आर अनस्पॉइल्ड बाय मोरल डीके एंड हैव अ नेचुरल रूरल ब्यूटी। इसके बाद पोएट बात करते हैं कि जितना भी ये सारा करप्शन है ना, ये सिर्फ लंदन में ही है, हमारे जो नेबरिंग प्लेसेस हैं आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड कितने नेचुरल हैं अभी भी, और किसी तरीके का कोई मॉरल डीके, कोई करप्शन टच नहीं कर पाया इन प्लेसेस को। ही डाउट्स व्हाई एनीवन विद अ रैशनल माइंड, विद लॉजिकल माइंड, साउंड माइंड वुड लीव हाइबर्निया दैट इज आयरलैंड विदाउट बीइंग पेड। तो वे भी कहते हैं लंदन, लंदन छोड़ छोड़ कर तो आजकल लोग जा रहे हैं लेकिन अगर मुझे कोई कहे ना कि किसी ने आयरलैंड जैसे प्लेस को छोड़कर मूव ऑन किया है तो मुझे लगेगा दैट पर्सन हैज बीन ब्राइट। He is certain that even living in Scotland's rugged countryside is better than residing on the Strand, a well-known roadway close to Johnson's home. तो वो कहते हैं कि लंदन में रहने से तो बहुत ही अच्छा है आप स्कॉटलैंड के किसी रिमोट प्लेस में रहें, किसी रग कंट्री साइड में रहें जो पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं है। इवन इट इज बेटर देन लिविंग ऑन द स्ट्रैंड व्हिच इज अ वेरी पॉपुलर व्हिच वाज अ वेरी पॉपुलर प्लेस इन लंदन नियर बाय जॉनसन्स होम, व्हेन सैमुअल जॉनसन्स होम। तो चाहे आप पॉश से पॉश लंदन के किसी भी एरिया में रहे, उससे बेटर है किसी भी और कंट्री के किसी भी रिमोट एरिया में रहना। द क्वीन एंड हिज कंपेनियन थेल्स स्टैंड देयर इन साइलेंस कंटेम्प्लेटिंग द थेम्स बैंक एज दे वेट फॉर द बोट द फेरी टू अराइव। अब दोनों दोस्त खड़े हैं आराम से, कोई शब्द नहीं है बात करने के लिए बिकॉज sadness is prevailing everywhere. They reflect on Greenwich, which is today a London neighborhood and was also the birthplace of Elizabeth I. Elizabeth I, the very popular queen and patron of Shakespeare. You know that. The narrator honors the magnificent queen and looks reverently upon the country that gave birth to her. तो हमारे जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि वाओ क्या मैग्निफिशेंट, क्या शानदार क्वीन थी एंड दिस इज द प्लेस जहां पर उनका बर्थ हुआ था, सच अ ग्रेट प्लेस इट इज। थेल्स इज इंस्पायर्ड बाय क्वीन एलिजाबेथ टू इमेजिन अ क्लीन लिविंग ब्रिटेन। द पोएट फील्स दैट ही हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट हर पीपल फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन एनिमीज। हमारे पोएट फील करते हैं मैं यही लंदन में रहकर लोगों को एट्रोसिटीज से, करप्शन से बचाने की कोशिश करूंगा। मे बी दिस इज माय ड्यूटी एट प्रेजेंट, और मेरे दोस्त थेल्स जो हैं वो यहाँ का करप्शन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी है यहाँ के लोगों को किसी ना किसी तरह प्रोटेक्ट करना उस करप्शन से जो कि बहुत ज्यादा प्रिवेल हो चुका है। The poet is appalled to see people who blindly follow Walpole's ideas prosper and
अमास मीनस एंड पैलेसेस। हमारे पोएट बहुत ही दुखी हो रहे हैं ये देख करके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वॉलपोल के आइडियाज को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और उनके पास बहुत दौलत है, बहुत हवेलियां, बहुत बंगलोज, बहुत पैलेसेस हैं। ये सब इसी वजह से ना, क्योंकि वो एक गलत पर्सन की, अकॉर्डिंग टू हिम, एक गलत पर्सन की चापलूसी कर रहे हैं, फ्लैटरिंग कर रहे हैं। ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज डिसप्लेजर विद द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737। 1737 में गवर्नमेंट ने एक लाइसेंसिंग एक्ट दिया था कि कोई भी पर्सन कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकता है गवर्नमेंट से अप्रूव करवाए बिना। लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन, इनकी परमिशन लेनी होती थी, मच लाइक द सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन डज टुडे। राइटर्स पहले बहुत फ्रीली लिखते आए थे, जो जिसको पसंद आता था वो लिख देता था, पब्लिश करवा देता था, इवन अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट, करेंट गवर्नमेंट। अब राइटर्स के ऊपर एक कंट्रोल आ गया है कि पहले आपको अपनी राइटिंग समय दिखानी है, उसके बाद पब्लिश होगी। तो जो राइटर्स इतने सालों से फ्रीली लिखते आ रहे थे, उनको तो ऑफ कोर्स बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आई। इन एक्सपीरियंस्ड राइटर्स उस टाइम पर, इन एक्सपीरियंस्ड तो हम इनको बहुत पढ़ते हैं, इन एक्सपीरियंस्ड राइटर्स लाइक जॉनसन, हु वर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज ओपनली, बिकेम इवन मोर रिसेंटफुल एज अ रिजल्ट। कि हम तो पहले ही कितना सोचते थे कुछ भी लिखने से पहले, और उसके बाद अब ऊपर से आ गए लाइसेंसिंग एक्ट, पहले आपको दिखाएंगे और फिर अप्रूव करवाएंगे। जॉनसन क्रिटिसाइजेस द करंट वोग फॉर इटालियन ओपेरा इन दिस होम। और जॉनसन बिल्कुल भी खुश नहीं है कि लोगों को किस तरीके से इटालियन प्लेस, इटालियन ओपेरा की तरफ अट्रैक्ट करवाया जा रहा है। अब आ जाते हैं थेल्स के कुछ व्यू पॉइंट्स की तरफ। थेल्स आप जानते हैं, नरेटर के फ्रेंड। नाउ थेल्स मेक्स द ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन ही इज फ्राउंड अपॉन, मतलब गुस्से में होते हैं, द फेवर्ड मेंबर्स ऑफ द करप्ट नेशंस आर अपीस्ड एंड एक्सटेटिक। थेल्स कहते हैं कि जब मेरे जैसे लोग गुस्से में होते हैं ना करप्शन की वजह से, तो वो मेंबर्स जो कि करप्शन कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली हैप्पी। These individuals do not value or like him because he exposed their follies. Thales ने कहा कि मैं जब इन लोगों की गलतियां निकालता हूँ ना, इन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की, इनको एक्सपोज करता हूँ, तो मेरे ही अगेंस्ट कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा देते हैं, इसी वजह से मुझे मूव करना पड़ रहा है। द सिटी ऑफ लंदन हैज इवॉल्व इंटू अ लैंडफिल फॉर ट्रैश फ्रॉम डिकेइंग नेशंस लाइक रोम एंड फ्रांस। सिटी ऑफ लंदन जो है ना, वो कंटिन्यूअसली डीके की तरफ बढ़ रही है। दिस इज द रीजन एवरीवन शुड लीव इट। जॉनसन क्रिटिसाइजेस फ्रेंच स्वे एंड मैनर्स मच लाइक जुवेनाइल डेट व्हेन ही डिस्पैच द ग्रीक्स। ऐसे ही एक पोएट्री जुवेनाइल ने भी लिखी थी, वेरी एंशियंट सेकेंड सेंचुरी रोमन पोएट, जिनकी पोएट्री पर ही हमारी ये पोएट्री बेस्ड है, सैमुअल जॉनसन लंदन। इसी तरीके से जुवेनाइल ने ग्रीक्स को डिस्पैच किया था, ग्रीक्स को क्रिटिसाइज किया था, जिस तरीके से हमारे करेंट राइटर सैमुअल जॉनसन ने लंदन को डिस्पैच किया है। By travelling back in time and recalling King Edward III's resounding triumph over France, Thales shows his admiration for the monarch. Thales कहते हैं कि आजकल जो ये political parliament system है ना, इससे अच्छे तो हमारे monarchs ही थे जो कि लड़ते थे अपनी कंट्री के लिए, बहुत हीरोइक होते थे। Pastoral and heroic splendor has given way, has converted into dim-witted and careless rakes. आजकल के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, वो बहुत ही डिम विटेड हैं, केयरलेस हैं अपनी कंट्री के लिए, आर काइंड ऑफ रेक्स, बिल्कुल अपने बारे में, अपने फैशंस के, अपने कंफर्ट्स के बारे में सोचते हैं। हु आर नॉट ओनली सबसर्वियंट बट ऑल्सो फ्लैटरर ऑफ ब्रिटेन्स फॉर्मर एनिमीज फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस एंड स्पेन, आस पास की नेबरिंग प्लेसेस, जिसको हमारे ओल्ड किंग्स, एंशियंट किंग्स हमेशा कॉन्कर किया करते थे, उनके सामने ये फ्लैटरी कर रहे हैं आजकल के लीडर्स, एडिंग टू द टेरिबल स्टेट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन ऑलरेडी डीके हो रहे हैं, ऑलरेडी करप्शन की तरफ जा रहे हैं, और उसके ऊपर आजकल के जो करंट लीडर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू बी ओवर फ्रेंडली विद फ्रांस एंड स्पेन, हु आर एक्चुअली द एनिमीज। एज लेस फर्स्ट इंक्लूड ऑन योर सोशल लाइफ एंड सब्सिक्वेंटली योर पर्सनल स्पेस एंड प्राइवेसी, थिंग्स कंटिन्यूज टू मॉक देम।
सब यहाँ पर ऐसे लोगों को मॉक कर रहे हैं जो आजकल के करप्ट सिस्टम को, करप्ट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फ्लैटर करते हैं, उनके चापलूस हैं। एंड ही सेज मेन हु आर इजीली ड्यूप्ड सिक्योर टू देयर ट्रिक्स, जो लोग बहुत ज्यादा चापलूसी करते हैं और आपस आसपास के लोगों को ड्यूप करते हैं, धोखा देते हैं ना कभी वो खुद भी उसका शिकार बनते हैं। दे बिकम एक्सपोज एंड रिवील देयर इनर मोस्ट सीक्रेट्स विच विल कम एज एन अटैक ऑन देम, द बूमरैंग अटैक। द वंस हु आर फेवर्ड इन इंग्लैंड आर द कॉन आर्टिस्ट्स। इंग्लैंड में जिन लोगों को फेवर किया जाता है ना, वो कॉन आर्टिस्ट से कुछ ज्यादा नहीं है। बट बिकॉज द सेम वंस दे ट्रस्टेड डिसीव्ड देम, इट इज द सिंपल गाइस हु सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो इनोसेंट लोग हैं ना, बाय हार्ट जो प्योर हैं, वो सफर करते। दीज गाइज विल सून रूल ओवर यू एज लॉर्ड्स। अपने दोस्त को समझा रहे हैं कि अपने आसपास के धोखेबाज लोगों से बचकर रहो, नहीं तो धीरे धीरे ये सभी लोग तुम्हारे किंग, तुम्हारे लॉर्ड बन जाएंगे। अब थेस धीरे धीरे पोइट्री के कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। ही ड्रॉज अ क्लोज टू द पोइट्री एज ही ऑब्जर्व द फेरी द बोट अराइविंग। ही लेमेंट्स द फैक्ट दैट ही कुड बट वोंट ऐड मच मोर टू हिज आउटबर्स्ट अगेंस्ट लंदन बिकॉज ही इज मूविंग ऑन फ्रॉम हिज पास्ट। शायद बहुत कुछ सहने के बाद थेल्स ने मूव ऑन होने का डिसीजन लिया। उन्होंने पास्ट में पॉलिटिशियंस को रिवील करने की, एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हीं पर भारी पड़ गया। अब वो जा तो रहे हैं लंदन से, लेकिन ये सोचकर जा रहे हैं कि मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया अगेंस्ट दिस करप्शन। Knowing that one day he too will leave London, he bids the poet farewell. When his youth falters, when his wealth runs out from supporting selfish politicians, and when his soul is worn out from the sheer volume of vice and criminality, he might seek refuge in Kent's serene rural and natural surroundings. अब हमारे पोएट को ऐसा लग रहा है कि एक दिन मैं भी अपने दोस्त की तरह परेशान हो जाऊंगा, जब मेरे लोग मेरा साथ नहीं देंगे, मेरे दौलत मेरा साथ नहीं देगी, मेरे पैसे मेरा साथ नहीं देंगे, मैं भी ऐसा ही एक रेफ्यूज लूंगा किसी सीरीन प्लेस में जाकर, कैंट जैसे किसी सीरीन प्लेस में जाकर। हिल्स एंड्स बाय प्रॉमिसिंग दैट इफ द पोएट शुड एवर पेन अ सटायर दैट वेंट्स हिज फ्यूरी एट द डिस्ट्रॉयड सिटी, He will come to his help once more. अब थेल्स मूव ऑन हो रहे हैं इस प्रॉमिस के साथ कि उनका दोस्त पोएट नरेटर कभी कोई सटायर लिखना चाहे ना आजकल के करप्शन पर, तो वो जरूर आएंगे लंदन वापस और अपने दोस्त की हेल्प करेंगे। Let us have a look at the theme. I have shown you two journals, newspapers. इनका क्या रेलेवेंस है? Let us see. Greed and corruption is the overarching theme, but Johnson also expounds other evils like government control over public opinion. Government किस तरीके से एक authoritarian government की तरह work कर रही है, जो लोगों को सोचने का, अपने views express करने का बिल्कुल ही मौका नहीं देती। Walpole reportedly spent a fortune from 1731 to 41 to spread propaganda through popular newspapers like the Gazetteer and Hip Doctor. Owing to his patronage, dissenters, critics, and common folks who opposed his administration could not voice their dissent. जैसे जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, आप लोग आजकल की गवर्नमेंट के हिसाब से समझ ही जाएंगे। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज एनी करेंट गवर्नमेंट, बट जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर गवर्नमेंट मीडिया को अपने हाथ में रखती है, तो मान लीजिए कि पूरी कंट्री का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ भी जब उनके अगेंस्ट ही पब्लिश नहीं होगा, हाउ विल पीपल कम टू नो कि कहाँ पर क्या लूपहोल्स हैं और कहाँ पर क्या गलतियां हैं जो गवर्नमेंट से भी हो रही हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको हम बहुत परफेक्ट मानते हैं, शायद अपनी इम्परफेक्शंस को वो पब्लिश ही नहीं होने देना चाहती, पब्लिश ही नहीं होने देते। सेम वॉज डन बाय वॉलपोल इन वेरी पॉपुलर जर्नल्स लाइक गैजेटियर एंड हिप डॉक्टर। हमेशा अपने फेवर में प्रोपेगेंडा इस गवर्नमेंट का, वॉलपोल गवर्नमेंट का रेडी रहता था खुद को प्रेज करवाने के लिए। सो दैट वॉज द बेसिक रीजन ऑफ रिबेल ऑफ पॉपुलर पीपल हु न्यू अबाउट ऑल दिस करप्शन बट कुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट इट। लाइसेंसिंग एक्ट के बारे में तो आप जानते हैं, आई टोल्ड यू।
The British government had imposed the Licensing Act of 1737, which required production houses to get approval from Lord Chamberlain's men, that was a company. This created further resentment amongst upcoming writers such as Johnson, who could not voice their opinions freely. तो सबसे ज्यादा रिसेंटमेंट जो थी ना वो मीडिया लाइक पर्सनालिटीज में थी, पोएट्स में थी, क्योंकि वो जो चाहते थे वो नहीं लिख सकते थे। पोएट्स क्या होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं, जब दिल में आया, जब उनके दिल में कोई विचार आया, अपना पेन उठाया और लिख दिया। लेकिन अगर फ्रीली लिख ही नहीं सकते तो उनकी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है एक्चुअली। एंड अगर एक राइटर से उसकी क्रिएटिविटी ही छीन ली जाए तो वो राइटर राइटर रहता ही नहीं। That is the reason all the major writers, specifically the upcoming writers, were very angry. So in the end, the one-line theme of poetry is this: Johnson very shrewdly grasps London's unforgivable city administration, moral corruption, and decline of the country. जॉनसन ने बहुत ही ब्यूटीफुली लेकिन बहुत ही क्रुएलिटी के साथ बिल्कुल एक एक फैक्ट को रिवील करते हुए लंदन की अनफॉरगिवेबल सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, करप्शन को और डिक्लाइन को इस पोइट्री में रिवील किया है, एक्सपोज किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ कॉमेंट्स। मुझे एग्जाम्स के बाद भी कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। And please do watch the playlist that I am giving in description.